पीपल ऑफ हरप्पा सिविलाइजेशन माइट हैव बीन बर्निंग डेड पीपल, जो डेड पीपल मरे हुए लोग को क्या करते थे, जला लेते थे, जैसे हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार किया जाता था। ऑल्सो एविडेंस ऑफ अग्नि संस्कार हैव बीन फाउंड एट मैनी प्लेसेस, दे बरीड डेड पर्सन एंड ऑल्सो केप्ट सम ऑफ द थिंग्स विद द डेड बॉडी। डेड पर्सन को जो है बरीड भी करते थे एंड उनके साथ डेड बॉडी के साथ जो बरीड किया जाता दूसरा सामान भी मिला था। इट टेल्स अस अबाउट देयर इमेजिनेशन दैट देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ। तो डेथ हो जाने के बाद उन लोगों की लाइफ कैसी थी, उस ये सारी चीज़ों से हम लोग इमेजिनेशन कर सकते थे। आफ्टर दैट स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज कॉइन्स सील्स कॉपर प्लेट्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ हरप्पा सिविलाइजेशन, ये सारी चीज़ें जो है हरप्पा सिविलाइजेशन से मिली थी। ओवर विच सम टेक्स्ट इज ट्रांसक्राइब्ड विच इज रिटन इन सम अनरिजॉल्व्ड माइस्ट्रेस लैंग्वेज, जो लैंग्वेज लिखी गई है वो अभी भी मिस्ट्रेस है कि हम लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाए हैं। ऑल दो दिस राइटिंग्स आर शॉर्ट वर्ड्स विद मंत्रस एंड जॉइंट वर्ड्स आर फाउंड, मंत्रस और जो जॉइंट वर्ड्स है उससे ये राइटिंग शॉर्ट वर्ड जो है लिखे गए हैं। लॉट्स ऑफ अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू डिसअपीयर दिस स्क्रिप्ट बट इट हैज नॉट बीन सक्सेसफुल येट, बहुत सारी अटेम्प्ट की गई है कि भाई ये क्या लिखा है, तो ये जो स्क्रिप्ट लिखी गई है उसको जानने के लिए बहुत ही प्रयत्न हुआ है लेकिन अभी भी जो है सक्सेसफुल हुए नहीं है। आर्कोलॉजिस्ट पता नहीं कर पाए हैं कि ये कौन सी लैंग्वेज लिखी गई है। प्लेसेस ऑफ हरप्पा सिविलाइजेशन इन गुजरात, हमारे गुजरात में हरप्पा सिविलाइजेशन जो है वो कहाँ पे डेवलप्ड हुई थी। द स्मॉल एंड बिग कॉलोनीज ऑफ हरप्पा सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड इन गुजरात लाइक रंगपुर एंड लोथल इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, अहमदाबाद में रंगपुर और लोथल में रोजड़ी, श्रीनाथगढ़ इन राजकोट डिस्ट्रिक्ट, देजलपुर इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट, डोलावीरा सुरकोड़ा लखबावल इन जामनगर डिस्ट्रिक्ट, आमरा भगा तलाव ऑन द बैंक ऑफ कीम रिवर इन भरूच डिस्ट्रिक्ट। तो ये गुजरात के अलग अलग प्लेसेस पे भी हरप्पा सिविलाइजेशंस का जो रियंस है वो पाए गए है। एंड ऑफ हरप्पा सिविलाइजेशन, उसका एंड कैसे हुआ था, द हिस्टोरियंस बिलीव दैट हरप्पा सिविलाइजेशन में हैव एंडेड बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक फ्लड एपिडेमिक और एक्सटर्नल इन्वेंशन, ये सारी चीज़ों की वजह से ये हरप्पा सिविलाइजेशन का जो है वो अंत हुआ था। However, for today historians, the end of it has been the subject of research. तो इसका जो एंड हुआ है वो हमारे हिस्टोरियंस के लिए आज ये रिसर्च का जो है टॉपिक बना हुआ है, जिसके ऊपर रिसर्च करके हम लोग हरप्पा सिविलाइजेशन के बारे में मिडिवल एज के दौरान ये जो टाउन प्लानिंग डेवलप्ड हुए थे उसके बारे में और जान सके। अब बात करते हैं स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स यानी होली बुक्स, जो एशियन टाइम में ये जो होली बुक्स जो है वो यूज किए जाते थे। तो ऋग्वेदा एंड इट्स स्टडी, एशियन टेक्स्ट के अंदर ऋग्वेदा, हमारे फोर अलग अलग वेद जो है वो एशियन टाइम्स के अंदर डेवलप्ड हुए थे। फोर वेदास आर देयर, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा। ऋग्वेदा इज अवर ओल्डेस्ट टेक्स्ट, इट इंक्लूड्स 1028 हैंड्स विच आर कोल्ड सुक्तास। ऋग्वेदा इज अ रेपोसिटरी ऑफ एशियन नॉलेज, एशियन जो प्राचीन जो ज्ञान है उसकी रेसिपरेटरी, यानी कि जो जिसके अंदर से हम लोगों को एशियन टाइम के जो ज्ञान है उसके अंदर से जो भावनाएं प्राप्त होती है वो हम लोगों को ऋग्वेदा से प्राप्त होती है। इट इज रिटन इन ओल्ड संस्कृत और वैदिक संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज में ये लिखा गया है। विद द हेल्प ऑफ ऋग्वेदा वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल रिलीजियस लाइफ ऑफ आर्यंस, जो आर्यंस पीपल थे उनकी पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक और रिलीजियस लाइफ जो है वो पाई गई थी, पाई जाती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान जो है बहुत सारे साउथ इंडिया वेस्ट से, साउथ वेस्ट से बहुत सारे
ट्राइब्स जो है वो इंडिया में आए थे, तो उसमें आर्यंस भी एक ट्राइब थी जो भारत देश के अंदर आए थे। हिस्टोरियंस आर्कोलॉजिस्ट स्टडीज वेदास अलॉन्ग विद द रिलिक्स टू नो अबाउट हिस्ट्री। उसकी जो रिलिक्स है उस पे से हिस्ट्री पता चलती है। सम ऑफ द हेम्स ऑफ ऋग वेदा आर इन डायलॉग फॉर्म। बहुत सारे जो हेम्स हैं वो डायलॉग फॉर्म में भी है, जिसके हम लोग देखते हैं कि मंत्रोच्चार के दौरान वो जो टोन्स है वो अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। देयर आर रेफरेंसेज ऑफ लाइफ ऑफ कॉमन मैन इन ऋग्वेदा। देयर आर रेफरेंसेज ऑफ पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन लाइक गणा सभा एंड समिति। ये जो इंस्टीट्यूशन है वो भी रेफरेंस ऋग्वेदा में दिया गया है। सभा वॉज स्मॉलर इंस्टीट्यूशन एज कंपेयर टू समिति। हेड ऑफ द स्टेट सेट इन इट एंड डिस्कस इम्पोर्टेंट इश्यू ऑफ द स्टेट एंड गिव जस्टिस। सभा एंड समिति ये क्या थी, तो जो हेड थे स्टेट के वो बैठते थे और जो इम्पोर्टेंट इश्यू थे उसके बारे में डिस्कस करके जस्टिस देते थे, न्याय देते थे। द समिति वॉज एन एलिबरेटेड बॉडी दैट इलेक्टेड द किंग। आर्मी चीफ एंड प्रीस्ट वेयर अपॉइंटेड टू असिस्टेंट द किंग। जो किंग के असिस्टेंट आर्मी चीफ और प्रीस्ट जो उसके अनुयायी थे वो अपॉइंट किए जाते थे। वन ऑफ द वर्क ऑफ किंग वॉज अ ग्वेशाना। ग्वेशाना मीन्स वॉर। ग्वेशाना का मतलब क्या होता है, वॉर, युद्ध। फ्रॉम ऋग्वेदा वी गेट रेफरेंस ऑफ बैटल बिटवीन 10 किंग्स ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर। ऋग्वेदा में से हम लोगों को 10 अलग अलग जो राजा आए थे उनके बीच में जो वॉर हुए थे, युद्ध हुआ था जो रावी रिवर के पास, उनके बारे में हम लोग जान सकते हैं। ऋग्वेदा प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल लाइफ ऑफ द आर्यंस। वन ऑफ द यूनिट ऑफ सोसाइटी वॉज फैमिली एंड फैमिली सिस्टम वॉज पैट्रिकल एंड इट वॉज ऑल्सो जॉइंट फैमिली सिस्टम। सोसाइटी वॉज नॉट डिवाइडेड इंटू कास्ट एंड रेस। यहाँ पे जाति और धर्म की बात नहीं की जाती थी, पूरी एक सोसाइटी को फैमिली माना जाता था। सो ऑल वेयर इक्वल इन द सोसाइटी। देयर वॉज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हाई एंड लो स्टेटस। यहाँ पे अमीरी और गरीबी, हाई और लो स्टेटस को भी डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव किया जाता नहीं था। वुमन हैड अ हाई स्टेटस इन सोसाइटी। स्त्रियों को सोसाइटी के अंदर हाई स्टेटस, उपला स्थान दिया जाता था। फेमिनिज्म वॉज देयर एंड वुमन वेयर कंसिडर एज अ वर्कर एंड देयर प्रेजेंस इन यज्ञ वॉज असेंशियल। उस समय वुमन्स को जो है हाई स्टेटस दिया जाता था, जिसके वजह से वो लोग काम में भी को वर्कर। फेमिनिज्म यानी कि मेल और फीमेल का अलग भेदभाव नहीं किया जाता था, जितना काम में मेल कोऑपरेट करते थे उतना ही स्थान फीमेल को भी दिया जाता था। इवन जो यज्ञ किए जाते थे, ये जो यज्ञ है उनके अंदर फीमेल को जो है स्थान दिया जाता था, कंपलसरी उनका स्थान महत्वपूर्ण था। दे कुड ऑल्सो स्टडी अमॉन्ग देम अपाला, लोपामुद्रा, घोसा एक्सेट्रा, ये सारे चीज़ों के ऊपर भी उन्होंने स्टडी किया था। क्रिएटेड रिचर्स ऑफ ऋग्वेदा। गर्ल्स गॉट मैरिड ओनली व्हेन दे वेर एडल्ट। स्त्रियों को, मतलब गर्ल्स जो थी उनको भी बहुत ही बड़ा स्थान दिया जाता था, जब वो एडल्ट हो जाए तभी उनका मैरिज किया जाता था। मेंशन ऑफ वर्सेस ऑफ नेचर इज फाउंड इन द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा के अंदर नेचर के जो अलग अलग चीज़ है नेचर में, उसकी जो पूजाएँ की जाती थी वो भी मेंशन की गई है। वर्शिप ऑफ इंद्र, इंद्रदेव, वरुण, वरुण देव, अग्नि, सूर्य एक्सेट्रा इज मेंशन इन ऋग्वेद। देयर इज मेंशन ऑफ उषा एज द गॉडेस ऑफ मॉर्निंग एंड अदिति एज द गॉडेस ऑफ इवनिंग। उषा यानी सुबह, क्या सुबह जो होती है उसकी भी पूजा की जाती थी, और अदिति, अदिति यानी इवनिंग, शाम की जो संध्या टाइम है वो अदिति की भी पूजा की जाती थी। काउज, हॉर्सेस एंड बुल्स हैव बीन डिस्कस्ड एट मेनी प्लेसेस इन ऋग्वेदा। एज कंपेयर टू अदर एनिमल्स हॉर्सेस हैव बीन मेंशंस मोर टाइम, विच इंडिकेटेड इंपॉर्टेंस ऑफ पैस्टोरलिज्म इन देयर लाइव्स। ये सारी चीज़ जो है एनिमल हस्बेंड्री यानी कैटल रेयरिंग से जुड़ी हुई बात भी ऋग्वेदा के अंदर बताई गई है। इट वॉज कॉमन
among their tribals to fight for animals. Property was mainly decided on the basis of number of cattle. कितने cattles है, animals है, उसके ऊपर decide किया जाता था कि property कितनी है. Animal husbandry was done collectively and agriculture was secondary in the early stage of Rigvedic age. Animal husbandry was collectively first and Rigveda was a agriculture was secondary. दूसरा, second स्थान जो है वो ऋग्वेदिक एज के अंदर दिया गया है. तो इस तरह जो एशियन टेक्स्ट के अंदर, स्क्रिप्चर के अंदर हमारे जो चार अलग अलग वेद है, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा, इसकी बात जो है मिडिवल एज के दौरान जो है की गई है. ये सारी जो होली जो बुक्स है, ये जो वेद है जो पुराने समय में फाउंड किए गए थे, जिसको हम लोग हमारे मॉडर्न एज के दौरान भी इसको, इसके जो हाइम्स है और जो श्लोक से वो फॉलो करते हैं. थैंक यू.